हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, और वो सेशन अपना रहेगा मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। जो हमारे ये प्रिलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस होने हैं, उसके अंदर जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के लगभग एक साल के करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे 70 डेज में कवर अप करेंगे। तो ये सेशंस देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? अभी तक के हमने इस सेशंस के ऊपर 5 लेक्चर्स लगा चुके हैं। वी हैव डन द 5 लेक्चर्स। अगर बात करें 5 लेक्चर्स की स्टूडेंट्स, तो हमने पहले 5 लेक्चर्स मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा 6th लेक्चर यहां से शुरू होने जा रहा है, जो अप्रैल 2020 के न्यूज को फोकस करेगा, क्लियर? आप सभी को एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो भी ये सेशंस रहते हैं, इन सभी सेशंस की आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स, कि ड्यूरिंग द सेशंस मैं हर एक स्लाइड पे, हर एक न्यूज में आपको प्रिलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है ना, वो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं। तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लो या फिर नोट कर लिया करो एक सेपरेट रजिस्टर्स के अंदर, क्लियर है? तो आप सभी लोग जैसे मुझे जानते हो, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम करंट अफेयर्स मेंटर इन अभिमन्यु आईएएस। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स सबसे पहली न्यूज की आज की, तो वो है इंपोर्ट कट टू बिकम द सेल्फ रिलायंट। इंडिया अब इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करने जा रहा है, क्योंकि हमने सेल्फ रिलायंट बनना है, क्लियर है? तो ये न्यूज आपको इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज 3 सब्जेक्ट के लिए। जनरल स्टडी 3rd एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोग अपनी न्यूज शुरू करते हैं। अगर बात करें कि द यूनियन गवर्नमेंट has identified 10 promising sectors to cut unnecessary import. भारत सरकार ने 10 ऐसे sectors के ऊपर देखा है कि जहां पे हम लोग जो unnecessary import कर रहे हैं, हम लोग उसको रोक सकते हैं। और वो sectors कौन-कौन से हैं, ये याद रखना है आपको। ये वाला prelim point of view से important है। अभी हमने discuss किया ना, तो मैं आपको हर एक चीज बताता जाऊंगा कि कौन से prelim point of view से important रहेगी और कौन सी mains perspective से important है। तो अभी अपनी सेकंड पॉइंट है सर, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 10 ऐसे सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुड्स, कैपिटल गुड्स आ जाएंगी, मशीनरी आ रही है, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स। इवन फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया काफी अच्छा स्टेबल है और काफी अच्छे रैंक पे रहता है, क्लियर है ना, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात कर दो तो। एंड टेक्सटाइल्स, और लास्ट में रहता है अपना गारमेंट्स, क्लियर? अब बात करें, कहते अर्लियर द गवर्नमेंट हैड आस्क्ड द इंडियन इंडस्ट्रीज टू सेट अप न्यू टारगेट्स टू वॉट बिल्डिंग। अब भारत सरकार ने इंडियन इंडस्ट्रीज से बात की है कि आप लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन कर दीजिए कि भारत सेल्फ रिलायंस हो जाए, कि अपने आप पर आत्मनिर्भर। बोलते नहीं कि हम लोग किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कंसेप्ट रखना है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, ठीक है ना, इन फ्यूचर में। और कौन कौन से में, इन फर्नीचर, फुटवेयर्स एंड एयर कंडीशनर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एयर कंडीशन रहता है, क्योंकि इंडिया एयर कंडीशन को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाता है, क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहां पे बोला गया कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। भारत अब देख रहा है कि घर में ही, मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने शुरू किए जाएं। एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग भारत के अंदर ही इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दें कि इंडिया अब इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, उसका पोटेंशियल बढ़ जाए। अभी भी करते हैं और बढ़ाना है हमें, ठीक है ना। कौन से एरियाज में, फर्नीचर में, फुटवेयर में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक। ये बोलते हैं फॉर दिस द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स। भारत सरकार और पैसा लगा रही है, एंड मेकिंग इंडिया अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर दीज सेक्टर्स, क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है ना, वो बहुत ही बिल्कुल ही बंद कर देगा। हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी खराब होते हैं इससे, वो कंसेप्ट है। अगर हम लोग टोटली इंपोर्ट बंद कर देंगे, तो हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोला गया, कहते द गवर्नमेंट
कैन ऑल्सो रेज द इम्पोर्ट ड्यूटीज. भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी क्या कर सकती है, जो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी ड्यूटीज में बढ़ोतरी कर सकती है ताकि कम से कम इम्पोर्ट हो जाए, ठीक है ना, ऑन दीज सेक्टर्स विदाउट वायलेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड रेट्स. क्लियर है, हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी में अगर थोड़ी ज्यादा भी नहीं कर सकते, अगर कुछ बढ़ोतरी कर दें तो इम्पोर्ट अपने आप क्या कर जाएगा, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा. अगर हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देंगे तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, और हमारा जो सेल्फ रिलायंट वाला मुद्दा है वो भी पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी. क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. कहते पीएम फोकस ऑन द आत्मनिर्भर भारत. अब आत्मनिर्भर भारत क्या चीज है, एक मिनट पहले ये पहला पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ले चलता हूं. कहते अर्लियर द प्राइम मिनिस्टर हैड स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर द सेल्फ रिलायंस. बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें जरूरत है आत्मनिर्भरता की एंड अ स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग लोकली बाय द एंटरप्राइजेस टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी. हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत में लगाने होंगे ना. अगेंस्ट द, अब इकोनॉमी की बात कर दी, हमारी इकोनॉमी तो बहुत ही बुरे हालात में आई. क्यों आई, क्योंकि COVID-19 के कारण. एंड गेट द कंट्री बैक ऑन द ग्रोथ ट्रैक. क्लियर है, ये वाला इतना पॉइंट डिटेल में नहीं था बट फिर भी कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं. अब वो कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला मैं डिस्कस करता हूं आत्मनिर्भर भारत. अब कंसेप्ट देखिए सर, आत्मनिर्भर भारत क्या चीज है. कहते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को क्या किया था, लॉन्च किया. क्यों किया, विद, क्योंकि हमें सेल्फ रिलायंस बनाना है ना भारत को. अब बात करें कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत विद इकोनॉमिक पैकेज ऑफ, विद इकोनॉमिक पैकेज ऑफ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, ये आपका एड ऑन डाटा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं. विद इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया था. क्लियर है, अब इसी के अंडर अगर हम लोग बात करें, ये अगर जो अनाउंसमेंट्स की गई है, अनाउंस्ड इकोनॉमिक पैकेज इज 10% ऑफ इंडियाज GDP, भारत की 10% की GDP का हिस्सा है. और वो कौन से साल की GDP है, 2019 से 2020 की. ये आपको पॉइंट अंडरलाइन कर लो फ्रेंड्स कि 20 लाख करोड़ का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर पैसे लगाया है और वो पैसा 10% है इंडिया की GDP का, जो GDP 2019 से 20 तक की है. क्लियर, अब अगर बात करें ये पैकेज के लिए, कहते ये पैकेज क्या है, पैकेज इज फोकस्ड ऑन, ये पैकेज किसको फोकस करेगा, ऑन लैंड लेबर, जस्ट अ सेकेंड, लैंड लेबर, क्लियर है, लिक्विडिटी एंड लॉज को ये बेसिक क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे. अब तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं सर, थर्ड पॉइंट क्या है यहां पे, कि द सेल्फ रिलायंस, द सेल्फ रिलायंट क्या है, इंडियाज मिशन है ये. ये इंडियाज मिशन एम क्या करेगा, एम टुवर्ड्स कटिंग डाउन इंपोर्ट. हमने इंपोर्ट को कट डाउन करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी. कंसेप्ट देखिए सर, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हमने कट करना है, इसीलिए तो हमने सेल्फ रिलायंट का वर्ड यूज किया था. इवन ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि हमने जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी का यहाँ पे जिक्र किया है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ. अगर हमने जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी का जो हमने जिक्र किया वो मैंने पहली स्लाइड में बोल दिया है कि हम लोग पोर्ट ड्यूटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्म्स है उस पर भी इफेक्ट ना आ पाए. क्लियर, आगे चलें. आगे आता है, कहते ही हैड एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड टू बिल्ड रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन द मेक इन इंडिया. बिल्कुल ठीक है, तो आपका मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट चल रहा है उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इवन उसको बढ़ोतरी ही मिलेगी.
आगे है, कहते ही कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइजेस इन इंडिया दैट कैन बिकम ग्लोबल फोर्स एंड हेल्प इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्या रहेगा सर, जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. अगर आपको स्टूडेंट्स याद होगा, हमने कल वाले सेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि 1930 ग्रेट डिप्रेशन आया था. ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था, जिसको हमने बोल दिया था ब्लैक थर्सडे. आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो गोल्ड के प्राइसेस भी क्या हो गए थे, फ्लक्चुएट कर गए थे, डाउन हो गए थे. और इंडिया में भी क्या आया था, इंडिया में भी क्राइसिस आ गया था, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पे चला गया था. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एम्प्लॉयमेंट को और भी बढ़ोतरी करनी है. देखो एक न्यूज दूसरी न्यूज से हमेशा कोरिलेट करती है, वो कैसे कर रही है मैंने आपको बताया, क्लियर है ना. तो आप लोग ये वाला पॉइंट भी, इवन ये वाला कंसेप्ट भी, आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट भी आप लोग मेंस पर्सपेक्टिव से आप लोग वहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी में. क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए. आगे चलते हैं, अब कुछ स्कीम्स की बात करते हैं. कहते द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट वेरियस स्कीम्स टुवर्ड मेकिंग इंडिया अ मेजर प्लेयर. तो भारत सरकार ने कुछ नई स्कीम्स को लॉन्च किया है, और लॉन्च करना भी चाहिए था क्योंकि हमें इससे पता तो लगेगा ना कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जिससे कि हमें काफी बेनिफिट भी मिलेगा. किसके लिए बेनिफिट मिलेगा सर, बेनिफिट मिलेगा सेल्फ रिलायंस के लिए. और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एक तो मेडिसिन आ गया, मेडिकल डिवाइसेस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स. कंसेप्ट याद रखना, मेडिकली डिवाइसेस, उसके बाद क्या आएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. क्या है ये, APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. अब ये क्या चीज रहते हैं आपके API, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें. API का मतलब क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ये. इसके तहत, इसी के अंडर हमने एक स्कीम को चलाया है जो है PLI. कंसेप्ट देखिए, हमने API के अंडर एक स्कीम चलाई, दैट एक मिनट अच्छे से लिखते थे. API के अंडर हमने एक स्कीम चलाई है PLI. PLI stands for the production of linked incentives. मैं यहां पे लिख देता हूं, production of linked incentives. Production of linked incentives. इसके अंदर क्या है, ये PLI स्कीम के अंदर क्या है, हमने प्रमोशन करना है सर, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स. आपको पता होना चाहिए कि ये जो PLI स्कीम आई, इसके अंडर हमने क्या किया, प्रमोशन किया, किसके लिए, बल्क ड्रग पार्क्स के लिए किया. और टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल ड्रग्स. क्लियर है कि जो भारत में ही हम लोग मेडिसिन बनाएंगे, उसी के तहत ये चीजें हम यहां पे लेकर आ रहे हैं, स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं. किसके अंडर आई ये, प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव्स, एक स्कीम आई, ये आई अंडर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अंदर. क्लियर यहां तक, आप लोग ये प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करके रखें कि PLI कम्स अंडर द API. ठीक, अब सेकेंड पॉइंट है, हाउएवर इन सम केसेस द स्कीम्स आर रीपैकेज्ड version of older attempts of the previous government to promote domestic production in these areas. बिल्कुल ठीक है, जिसको बोलते modify कर देना, फिर से आ गया scheme को. Third point में क्या बोलते हैं, for instance, recently the government invited applications from the companies. भारत सरकार ने, government of India ने opening की है, companies से applications लगवाई हैं from companies to invest in India. Under the second phase of electronic manufacturing schemes, भारत सरकार ने invitations दिए कुछ companies को कि आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, invest कीजिए. किसके अंदर, electronic manufacturing schemes के अंदर. अब थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ें, electronic manufacturing schemes, इसके अंडर क्या है आपको देखने को मिलेगा. कहते अंडर द स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल गेट एन इंसेंटिव. जो ये कंपनीज हैं, इनको क्या मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिल जाएगा 4-6% का, 4-6% का इन्हें इंसेंटिव मिल जाएगा. एंड इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत के अंदर ही बनेंगे उसके अंडर. और ये स्कीम चलेगी आपकी 5 years के लिए, जो भी कंपनीज के अंडर आ रही है. क्लियर है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years.
वो किसके अंडर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स के अंडर। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो एपीआई चलाया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स आ रही हैं, और लास्ट में देखते हैं कि एन अर्लियर वर्जन ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कॉल्ड, इससे पहले भी हमने एक स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, वॉज नोटिफाइड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट इन जुलाई 2012। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ सर, ये प्रीलिम्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो अभी आई है, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्कीम चलाई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही चलाई थी, वो थी मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, जो शुरू की गई थी जुलाई 2012 में, और करंटली हमने इसको अपडेट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? देखिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि यहाँ पे डाउट है आपको, क्लियर है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसी डाउट्स को सॉल्व आउट कर सकूं। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ कमेंट्स को देखा है स्टूडेंट्स के को, तो कई को ये डाउट रहता है कि क्या ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, तो जी बिल्कुल ये लेक्चर्स कंटिन्यूटी में ही आएंगे आपके, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और लगे रहें बस एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है, चलें आगे, हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आता है अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है इसी के अंडर है, सॉरी, कहते कंसर्न्स जैसे कि इंडिया डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट वो कितना 30% है, भारत अपना इंडिया 30% इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, किसमें, एयर कंडीशन सेक्टर में। अब सेकंड पॉइंट है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया इंपोर्ट, भारत का इंपोर्ट है $462.7 बिलियन का, वर्थ ऑफ कॉमोडिटीज बिटवीन अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। विद आत्मनिर्भर भारत जो अभी हमने देखा, देयर इज अ डेंजर ऑफ इंडियाज गोइंग बैक टू द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्कुल है, अगर इम्पोर्ट कम ना किया गया तो इसके लिए तो खतरा है ही है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक, लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया, कहते टेकिंग दिस पाथ वुड ऑल्सो बी क्वाइट डॉन्टिंग as the financial and the technological resources required would be very high. Clear? तो इससे एक conclusion निकलता है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है ना, अगर अगर सेल्फ रिलायंट बनाना है तो क्या होगा, एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का मतलब क्या चीज रहती है, कि भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, रेदर देन अगर हम लोग हर एक चीज इंपोर्ट करने लग जाए तो। ऊपर से इंपोर्ट के ऊपर हमें ड्यूटीज को सिर्फ इतना बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उसको हम लोग हर्ट ना करें। ठीक है, और अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमें एक्सपोर्ट भी क्या करना होगा, अपना इंक्रीज करना होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है स्टूडेंट्स, नेशनल क्रेच स्कीम, तो ये ऑब्वियस स्टूडेंट्स के लिए है, सॉरी ये वर्किंग वुमेन्स के लिए है, तो ये न्यूज आपकी रहेगी जनरल स्टडीज टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो शुरू करते हैं, कहते मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज प्रोवाइडेड द जनरल इंफॉर्मेशन, उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द स्टेटस ऑफ क्रेच फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर द नेशनल क्रेच मिशन। ये याद रखेगा कि जो ना जो क्रेच स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, वो आती है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखिएगा ये चीज को, बस आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बोलते हैं डे केयर फैसिलिटी इंक्लूड, तो ये क्रेच के अंदर आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है, एक तो स्लीपिंग फैसिलिटी मिल जाएगी बच्चों के लिए, आर टू बी देयर इन एवरी क्रेच फैसिलिटी। हमारे पास एक डाटा आया कि 11th मार्च 2020 तक, कि 11 मार्च 2020 तक की अगर बात करें तो, कि 6453 क्रेचेस आर फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री अंडर द नेशनल क्रेच स्कीम। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा, कि 11th मार्च 2020 तक 6453 क्रेचेस आर फंक्शनल अक्रॉस द कंट्री अंडर द नेशनल क्रेच स्कीम। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें। यहां पे क्या लिखा हुआ है इसी स्कीम के अंडर बात करते हैं, तो
कहते हैं इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और किसने स्पॉन्सरशिप किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी हमने देख लिया है, अर्लियर इट वॉज नोन एज, इससे पहले हम इस स्कीम को क्या कहते थे सर, इस स्कीम को कहते थे राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखिए, जो नेशनल क्रेच स्कीम है इसको सबसे पहले राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम का नाम दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, कहते द स्कीम फोकसेस ऑन 6 months to 6 years ऑफ चिल्ड्रन, 6 महीने से 6 साल के बच्चा इसके अंडर कवर होता है, ऑफ वर्किंग वुमेन्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, in the rural and urban areas who are employed for a minimum period of 15 days in a month, wo औरतें जो महीने में 15 दिन काम करती हैं, और 6 months in a year या फिर 6 महीने 1 साल में, कहते the scheme has a pan india coverage, पूरे भारत को कवर अप किया जा रहा है, preference would be given to the poor child, क्यों दिया गया पुअर चाइल्ड को, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है ना, जो उसका न्यूट्रिशन लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पे फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल न्यूट्रिशन नीड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बोलते नहीं है कि अंडर न्यूट्रिशन एक बच्चा रह गया है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे हमने अब खत्म करना है भारत के अंदर, तो इसीलिए तो नेशनल क्रेच स्कीम हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। कहते सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप विल बी कंडक्टेड, तो ये कंसेप्ट आएगा जो हमने देखना है ना, जो एक डिजीज रहता है हमने उसको भी खत्म करना है, किसके अंदर रहता है डिजीज सर, जो 6 months से 6 years तक के जो चिल्ड्रन हैं उनमें कोई भी डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा नेशनल क्रेच स्कीम के अंदर, क्लियर है, चले। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना थोड़ा सा, अब ये एड ऑन डाटा रहेगा आप लोगों के लिए, एड ऑन डाटा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, जो फंडिंग शेयर है, जो ये स्कीम को चलाने के लिए पैसा आ रहा है, पैटर्न है वो क्या है, कहते नेशनल क्रेच स्कीम अमंग सेंटर स्टेट या फिर यूटीज और उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओस बोलते हैं, फिर वॉलेंटियर्स बोल दो कि सेंटर स्टेट यूटी या फिर एनजीओस और वॉलेंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अगर बात करें तो रेशो रहेगी 60-30-10, ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा स्टेट के लिए, मतलब क्या रहेगा 60% सेंटर का है, 30% स्टेट का और 10% एनजीओस का रहेगा या फिर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, क्लियर है। अच्छा इससे आगे अगर चले 80-10-10 ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जिसको हम लोग बोलते हैं ना पूर्वांचल हिमालयस में, लाइक अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, तो इनके लिए 80-10-10 की रेशो रहेगी, मतलब 80% फंडिंग की जाएगी सेंटर की तरफ से, 10% की जाएगी स्टेट की तरफ से और 10% की जाएगी एनजीओस की तरफ से, ठीक है। अगर और चले इससे भी आगे, एक मिनट, ये पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया, और अगर मैं बात करूं थर्ड की तो 90-0-10-4 ये किसके लिए आएगा, फॉर द यूटीज, ये यूटीज के लिए कि 90% प्रोवाइड किया जाएगा हमेशा सेंटर की तरफ से, यूटीज ने देना नहीं है कुछ भी फंडिंग में, और एनजीओस देंगे आपके 10%। अगर हम लोग बात करें कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्लस इसके साथ आप लोग हिमालयन स्टेट्स भी स्टूडेंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस हिमालयन स्टेट्स का ये फंडिंग रेशो रहेगा, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग, डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, यहां तक हमने देख लिया है, अब बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखा गया, कहते टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे क्या स्कीम्स को लॉन्च कर रही है या फिर ऐसे क्या स्टेप्स को बढ़ा रही है जिससे कि न्यूट्रिशन जो एक बच्चे का रहता है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो हम लोग उसमें नेशनल क्रेच स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रमोट फिजिकल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड में क्या रहता है टू एजुकेट एंड एम्पावर द पेरेंट्स केयर गिवर्स फॉर बेटर चाइल्ड केयर, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है वही रिपीट बोलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। क्लियर है? आगे चलें। अब आप ही अपने पास नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये जो आपकी न्यूज है ना कई मंथ्स कवरअप करती है, तो हमने आपके लिए ये सारा कॉम्पैक्ट कर दिया है, तो जिससे कि आप लोग यहीं पे ही पता लग जाएगा कौन से मंथ में क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्योंकि ये मई में भी आया, जून में भी हुआ, जुलाई में भी हुआ है। क्या सर ये क्योंकि कई कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं इसके ऊपर, कई समिट्स बैठे थे इसके लिए, तो वो कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा GS2 पेपर के लिए, ठीक है? ये न्यूज़ मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी लंबा चलने वाली न्यूज रहेगी अपने लिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि द थर्ड राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कंसेप्ट देख लीजिएगा एक मिनट। बोलते कि द थर्ड राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिल्कुल ठीक है। कहते इन द प्रीवियस टू राउंड्स इंडिया सॉट रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यू एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द स्टैंड ऑफ बिगिन इन May 2020। सबसे पहले तो कंसेप्ट ये आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए कि ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि इतनी राउंड टेबल्स की मीटिंग हो रही है, थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ हो गया, पहला हुआ, दूसरा हुआ, किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो कंसेप्ट क्या है हम लोग इसी न्यूज के अंदर पूरा कवरअप करेंगे, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स स्कल्फ्ड एट पैंगोंग सो लेक। ये एक लेक रहती है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। और कब हुआ था ये क्लैश? ये हुआ था 5th and 6th of May को। इससे पहले भी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। कहते आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो हुई थी 6th of June को 2020 में, सबसे पहला हुआ था फर्स्ट राउंड बिटवीन द कॉप कमांडर्स लेवल, तो क्या हुआ था? क्लैश अकर्ड इन द गलवान वैली। क्यों सर क्लैश अकर्ड हो गया था गलवान वैली में? गलवान वैली आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। दैट क्लेम्ड 20 इंडियन सोल्जर्स, जो भारत के 20 सोल्जर्स के प्रॉब्लम में आ गए थे, एंड लिव्स एंड सॉरी सोल्जर्स लाइफ एंड एन अननोन नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑन द चाइनीज साइड। तो क्या हुआ था, जो गलवान घाटी में वैली में जो लद्दाख में है वहां पे 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए थे और कई कैजुअलिटीज भी वहां पे हुई थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं इतनी कैजुअलिटीज और अपने इतने इंडियन सोल्जर शहीद क्यों हो गए थे, उसके पीछे रहता है एक तो रोड्स का कंसेप्ट रहेगा, वो कौन सी सड़क हम लोग आज देख लेंगे, और ऊपर से सर स्टूडेंट्स ये रहेगा पैंगोंग सो लेक पे जो 8 fingers रहते हैं उसको कैप्चर कर लिया गया था। कौन कौन से फिंगर कैप्चर किया हम लोग इसी सेशन में देखते हैं। चलते हैं आगे। कहते वाइल्ड फेस ऑफ एंड स्टैंड ऑफ की अकरिंग ऑन द LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्यू टू डिफरेंस इन द परसेप्शंस ऑन द अलाइनमेंट there has been no instance of firing on the LAC since 1975. Important है, prelim point of view से ये आपका point important रहेगा कि 1975 से अब तक की कोई problem नहीं थी यहाँ पे। Clear? अब थोड़ा सा data add on करते हैं यहाँ पे, एक minute देखें आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Indian and Chinese army, जो Indian army थी और एक चाइनीज आर्मी थी, एंगेज इन द स्टैंड ऑफ इन, कहां पे, इन पैंगोंग सो लेक और गलवान वैली में, ठीक है, और कहां पे, और कहां पे, दामचौक में, देन आफ्टर दौलत बेग पे, दौलत बेग ओल्ड है, क्लियर है, कहां पे, पैंगोंग में सोलेक, गलवान वैली में दामचौक, दौलत बेग ओल्ड है, इन ईस्टर्न लद्दाख। ये चीज को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ने कहां कहां पे प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट हुए इन दोनों के बीच में, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ये वाला नोट डाउन करके रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स डिस्कस किया है, क्लियर है। चले आगे। अब देखते हैं
अब है क्या चीज, अब देखिए यहाँ पे रही आपकी गलवान वैली, तो यहीं पे प्रॉब्लम आई थी। इवन हमने यहाँ पे एक रोड को भी ओरिजिनेट किया है, यहाँ तक ओरिजिनेट किया है, तो वो कौन सी सड़क है हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाले एरिया में ईस्टर्न लद्दाख में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। स्पेशल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ था? गलवान वैली में, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज आर्मी। ठीक। और आपकी पैंगोंग लेक कहाँ पे है? दिस इज योर स्टूडेंट्स पैंगोंग लेक, और यहाँ पे फिंगर्स के शेप में, ये 8 फिंगर्स की शेप में है, और यहीं पे कैप्चरिंग हुई थी जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। ठीक है। अब बात करें इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की ही। कहते हैं सेटिंग द एमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशंस। अब आपने ये देखा होगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेट्स को नोटिस किया। मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे थे जो चाइनीज कंपनी ने बना रखे थे, और वो थ्रेट थे इंक्लूडिंग द पॉपुलर वन, और कौन कौन से थे वो? वो थी चाइनीज ओरिजिन, सच एज टिकटॉक, शेयर इट, यूसीबी ब्राउजर्स, वेबियो। द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 एप्स, टोटल 59 चाइनीज एप्स, मैं बोल सकता हूँ 59 एप्स को भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था, क्योंकि उनको था कि थ्रेट हो सकता है ये वाला एमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे बोला क्या है कि फर्दर इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना फेल टू, कंसेप्ट देखिए, भारत का ट्रेड भी नीचे गिर गया, फेल्स टू 48.66 बिलियन USD इन 2019 से 20 ऑन द अकाउंट ऑफ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट। अब ये वाली न्यूज को आप आज की पहली वाली न्यूज से कंपेयर भी कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंट की। ठीक है, द ट्रेड डेफिसिट स्टूड्स एट 53.56 बिलियन डॉलर्स इन 2018 से 19 एंड 63 बिलियन इन 2017 से 18। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये वाली न्यूज को सेल्फ रिलायंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ये वाला डाटा आप लोग यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। अब अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, FDI की, फ्रॉम चाइना इन इंडिया हैज डिप टू 163.78 मिलियन US डॉलर्स इन 2019 से 20 फ्रॉम 229 मिलियन इन 2018 से 19। अब FDI में भी हमें कमी देखने को मिली है चाइना की तरफ से, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स की, इन अप्रैल 2020 इंडियन गवर्नमेंट टाइटन्ड FDI नॉर्म्स, FDI नॉर्म्स कमिंग फ्रॉम द कंट्रीज विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अब कंसेप्ट आपको मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, पहले मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं। FDI नॉर्म्स हैं, तो भारत सरकार ने FDI नॉर्म्स में कुछ फेरबदल किया, बदलाव किया था, किसके लिए? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के लिए बदलाव किया, स्पेशली चाइना के लिए बदलाव किया गया था। वो क्या था हम देखते हैं। कहते एक तो जो पहले आते हैं FDI नॉर्म्स में ऑटोमेटिक रूट होता है, कंसेप्ट याद रखना स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक रूट क्या चीज है? कहते द कंपनी, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कंपनी ओनली नीड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, कंपनी ओनली नीड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। ये तो है FDI का एक सिंपल सा रूल, कोई भी विदेशी कंपनी होगी वो भारत में पैसा लगा देगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी, और उसके बाद हमें बताया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। FDI नॉर्म्स में ये था, ये है आपका ऑटोमेटिक रूट। बट नेबरिंग कंट्रीज के लिए अब ऑटोमेटिक रूट को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, चेंजेस लाया गया ड्यू टू थ्रेट्स। हमने नेबरिंग कंट्रीज के लिए ऑटोमेटिक रूट बंद कर दिया गया, अब क्या रूट आया है जो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है तो उनके लिए क्या है? कहते कि कंपनी इन एनी कंट्री दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया विल हैव टू, जो भारत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं तो उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर द इन्वेस्टमेंट, दैट इंडिया विल हैव टू अप्रूव
approach the government for investment in India. तो सबसे पहले भारत सरकार से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर द FDI. तो यही नॉर्म्स में हमने चेंजेस किए हैं फॉर द नेबरिंग कंट्रीज. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट आता है कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ही कहते इंडिया डिसीजन टू स्ट्रेंथन इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. India's decision to strengthen its border infrastructure, वो कौन कौन से हैं? देखिए, दारबुक, शोक, दौलत बेग ओल्ड आई रोड. ये एक मिनट, मैं यहां पे नोट ऑन कर देता हूं. यहां पे रहा आपका दारबुक, शोक, दौलत बेग ओल्ड आई रोड. ये क्या चीज है? ये आपका, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, अब चलते हैं. एक तो ये रहा आपका दौलत बेग ओल्ड आई रोड, ठीक है, और ये रहा मुगरो, और तीसरा रहा अपने पास DSDBO रोड आ रहा है, फिर आ रहा है शोक, और एक आ गया दारबुक. हमने यहां से लेकर यहां तक एक रोड कंस्ट्रक्शन की है जिसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके शुरू हो चुके हैं. क्यों? चाइनीज आर्मी ने डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दिया था यहां पे. ठीक है, आगे चलें. ये आपका हो गया कि दारबुक, शोक, दौलत बेग ओल्ड आई रोड, ये है क्या चीज, इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं. ये आपकी रोड रहेगी 255 किलोमीटर की रोड रहती है, वाली 255 किलोमीटर की रोड है. फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम दौलत से लेकर दौलत टू एन एल्टीट्यूड ऑफ, कितना एल्टीट्यूड रहेगा? 14,000 फीट का अपने पास एल्टीट्यूड मिल जाएगा. और कहां तक चलेगी? शौक तक चलेगी. शौक क्या है? एक इंडियन विलेज रहता है अपने पास. ठीक है, अब आगे देखें. कहते दिस रोड ज्वाइन द, ये ऐसी सड़क है, ये एक ऐसी सड़क है. कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, एक सड़क के कारण क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो गया? कहते दिस रोड ज्वाइन द लेक टू काराकोरम पास. ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स, कि ये ऐसी सड़क है जो ले से काराकोरम पास तक क्या कर रही, ज्वाइन करवा रही है. और ऐसा क्या है काराकोरम पास में? कहते विच डिवाइड लद्दाख फ्रॉम चाइनाज. अब आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. चाइनाज शिनजियांग प्रोविंस. क्लियर? शिनजियांग प्रोविंस को लद्दाख से अलग किया किसने? किसने? शौक, दौलत बेग ओल्ड आई रोड ने. क्लियर? तभी तो चाइना की आर्मी ने मेजर डिप्लॉयमेंट अपनी ज्यादा करवा दी थी यहां पे. सेकेंड पॉइंट है इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स टिल्ट, जिसको हमने बोला क्वाड. मैं आपको एक मिनट यहां पे थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर ये भी कंसेप्ट समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड. क्वाड क्या चीज है? ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योर, एक मिनट लिख देता हूं यहां पे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. ये क्या चीज है? ये फॉर्मली स्ट्रेटेजिक डायलॉग है. किस किस के बीच में हुई? ये हुई बिटवीन इंडिया, USA, जापान और एक हुई है ऑस्ट्रेलिया के बीच में. ये क्यों हुई है? ये बीच में हुई ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस ट्रेड हो पाए. ठीक है, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस टू सपोर्ट करना है इन इंडो पैसिफिक रीजन. करेक्ट? अगर बात करें, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको सबसे पहले मूटेड किया गया था बाय द जैपनीज प्राइम मिनिस्टर, बाय द जापान प्राइम मिनिस्टर, कौन है? शिंजो आबे. कब किया गया था? इन 2007. तो क्वाड का भी आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है. अब थर्ड पॉइंट चलते हैं स्टूडेंट्स. कहते चाइनाज व्यू इंडियाज असर्शन रिगार्डिंग गिलगित बाल्टिस्तान एज एन इम्प्लिसिट अटैक ऑन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आप देखें ना, एक चीज आपकी याद रखना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये इसी का पार्ट रहता है.
ठीक है ना। तो रिसेंटली क्या किया गया था कि पाकिस्तान एंड चाइना हैव लॉन्च्ड अ लग्जरी बस, एक लग्जरी बस उन्होंने शुरू की गई थी बाय द सॉरी बिटवीन द कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना टू सर्विस पासिंग थ्रू द, जो ये बस कहाँ से पास कर रही थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास कर रही थी, कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी, लाहौर टू लाहौर से काशगर सिटी, काशगर सिटी जो चाइना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो प्रेजेंट रहते हैं आपके चाइना में और लाहौर आपका पाकिस्तान में है। ये बस रूट निकलेगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इंडिया ने इसको एतराज किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस ओवर द साउथ चाइना सी, मैं साउथ चाइना सी को भी डिटेल में देख लेते थोड़ा सा। साउथ चाइना सी क्या चीज रहती है, कहते साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ, ये एक आर्म रहती है किसकी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की, ठीक है ना, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एशिया, इन द साउथ ईस्ट एशिया। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा और मेंशन किया जाए, तो आपका साउथ चाइना सी साउथ ऑफ चाइना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, और ईस्ट साउथ, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम में मिल जाएगा, वेस्ट ऑफ द फिलीपींस, वेस्ट ऑफ फिलीपींस रहेगा, और उसके बाद नॉर्थ ऑफ आइलैंड रहेगा, किसका, बोर्नियो का। ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी के आसपास आपको क्या क्या देखने को मिला, वहां पे प्रेजेंट है ये चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें आगे, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, कहते द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द डीमार्केशन दैट सेपरेट इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, बिल्कुल ठीक है, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। द एल ओ सी इमर्ज फ्रॉम 1948, 1948 में ये बनी थी, सीज फायर हुए थे, नेगोशिएट करवाया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कश्मीर वॉर, ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट रहते हैं स्टूडेंट्स, कह रहे इट वॉज डेजिग्नेटेड एज द एल ओ सी इन 1972, इसको 1972 में एल ओ सी भी डिक्लेयर किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट, अंडर द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, इट इज डिलिनेटेड ऑन द मैप साइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको डीजीएम बोला गया, ऑफ बोथ आर्मीज एंड हैज इंटरनेशनल सेंक्टिटी ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट, क्लियर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, कहते द एल ए सी इन कंट्रास्ट इज ओनली अ कंसेप्ट, इट इज नॉट एग्रीड अपॉन बाय टू कंट्रीज, नाइदर डिलिनेटेड ऑन मैप और डीमार्केटेड ऑन द ग्राउंड्स। एक और चीज याद रखेगा कि चाइना बोलता है एज पर द रूल्स ऑफ एल ए सी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो इंडिया की स्टेट है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ये बोलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, साउथ तिब्बतन, क्लियर। चलें अब आगे देखते हैं, अक्रॉस द एलएसी में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारे का सारा डाटा आपका प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट फॉर द मेंस बट प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये बोलते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स, ये तीन सेक्टर में डिवाइड है, बिल्कुल ठीक है। एक ईस्टर्न सेक्टर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर दूं, ये लीजिए अगर अपना सिक्किम आ गया और ये अपना नीचे अरुणाचल प्रदेश आ गया, लेट से सपोज, तो बोला गया तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, पेन का कलर कर लेते चेंज, इससे आपको बढ़िया व्यू मिल जाएगा। एक तो रह जाएगा अपना ईस्टर्न सेक्टर ये वाला, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ गया एंड सिक्किम आ गया, और वो आ गया 1346 किलोमीटर का, तो ये वाला पूरा एरिया कवर अप कर लिया जो हमारा चाइना के साथ बाउंड्री लग रही है 1346 की। मिडिल सेक्टर यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तराखंड की आ रही है एंड हिमाचल प्रदेश कवर अप हो गया, और उसके बाद आ रहा है वेस्टर्न सेक्टर इन द लद्दाख, ये वाला अपना लद्दाख वाला हिस्सा रहा, ये कितना किलोमीटर है 1597 किलोमीटर का, ये कितने किलोमीटर है ये अपने पास 545 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर माय डियर स्टूडेंट्स, ये है 1346 किलोमीटर का है, ठीक है। अच्छा और बात याद रखना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे
सेकेंड पॉइंट बोलते हैं कि द अलाइनमेंट ऑफ द एल ए सी इन द ईस्टर्न सेक्टर इज अलॉन्ग द 1914 मैकमिहन लाइन. तो यहाँ पे ये वाले हिस्से को हमने क्या बोल दिया, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड एज मैकमिहन लाइन. सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पार्ट की बात की गई है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मैकमिहन लाइन कितने किलोमीटर की और कहां पे प्रेजेंट रहे थे. 1346 किलोमीटर की अपने पास मैकमिहन लाइन है. क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट आता है द मिडिल सेक्टर इज द लीस्ट डिस्टर्बेड. ये वाला सेक्टर है जो 545 किलोमीटर की बात की गई है, बोला गया ये तो बहुत ही कम डिस्टर्ब रहता है. व्हाइल द वेस्टर्न सेक्टर विटनेस द हाईएस्ट ट्रांसग्रेशंस बिटवीन द टू साइड्स. क्लियर? अब आता है पैंगोंग सो लेक. ये आपके फिंगर्स आ रहे हैं, ये देखिए, दिस इज योर फिंगर्स. हमने बोला था ना न्यूज में काफी चला था कि ये फिंगर, फिंगर फोर, फिंगर टू, फिंगर एट, फिंगर थ्री, फिंगर फाइव, तो ये फिंगर्स है सारे आपके पैंगोंग सो लेक के. कहते इट इज अ लॉन्ग नैरो डीप एंडोहेरिक, मतलब लैंड लॉक रहता है, लेक है, सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 13,000 फीट इन द लद्दाख हिमालय. ठीक है? कहते इट लाइज इन द पाथ ऑफ चुशुल अप्रोच, वन ऑफ द मेन अप्रोच दैट चाइना कैन यूज फॉर एन ऑफेंसिव इन टू इंडिया हेल्ड टेरिटरी. क्लियर है? कौन सी अप्रोच है वो? चुशुल. क्लियर? कहते इट इज ओवरलुक्ड बाय द फिंगर एरियाज. बोला कि अभी ना कि फिंगर एरिया से इसको देख सकते हैं. अ सेट ऑफ एट क्लिफ्स, आठ फिंगर्स रहती हैं, एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द शिरिजप रेंज, वो है नॉर्थ बैंक ऑफ लेक. क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या रहता है, कहते इंडिया क्लेम दैट एल ए सी इज कॉन्टरमिनियस विद फिंगर एट बट इट फिजिकली कंट्रोल एरिया ऑफ द फिंगर फोर. फिजिकली हम लोग फिंगर फोर तक ही चलते हैं. ठीक है? चाइनीज बॉर्डर पोस्ट आर एट फिंगर एट. चाइना का जो बॉर्डर पोस्ट है वो है फिंगर एट पे. वाइल इट बिलीव दैट एल ए सी पासिस थ्रू फिंगर टू. तो आपको कॉन्फ्लिक्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका है स्टूडेंट्स. क्लियर है? अब आता है हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है आज की. डिफेंस वेपन्स अप्रूव किए गए कुछ नए वेपन्स, और वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द GS3. ठीक है? सबसे पहले ही बात करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की. ये क्या चीज है, कौन सी काउंसिल है? कहते डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, थोड़ा सा एड ऑन अभी कर देते हैं, इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग. ये क्या डिसाइड करेंगे, फॉर एक मिनट, फॉर डिसाइडिंग न्यू पॉलिसीज, कुछ जो नई पॉलिसीज को लेकर आना है, और एक कैपिटल एक्विजिशंस. किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए. इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए. तो ये कौन देखता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. अप्रूव द सेवरल प्रपोजल्स दैट विल बूस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज. अभी हमने देखा ना इसके अंदर कि आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. अब इनके अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट विल बाय 33 एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर हम लोग 21 मिग्स को परचेज कर रहे हैं, 29S रशिया से, 12 न्यू सुखोई 30 फाइटर्स, सॉरी 12 न्यू सुखोई 30s जो फाइटर्स हैं, कहां से? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, हॉल से. थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, कहते इट आल्सो इंक्लूड्स अपग्रेडेशन. इसको अपग्रेडेशन किसको करना है? वो करना है 59 मिग्स को, 59 मिग 29 जेट्स को. ठीक है? नेक्स्ट बोलते हैं कि अंडर द मिसाइल सिस्टम, अगर अब मिसाइल्स की बात करें तो कुछ नए मिसाइल्स भी हम लोग देख रहे हैं, वो है एक तो पिनाका एम्यूनेशन. नेक्स्ट आता है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR बोला गया, जो एयर टू एयर मिसाइल है, ये है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. फिर आता है अपने पास लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसको LACM बोला गया, LACM. देन सिस्टम है ये जिसकी रेंज रहती है 1000 किलोमीटर की, अमंग द अदर्स. ठीक है? आगे चलते हैं, पिनाका एम्यूनेशन को देख लेते हैं. कहते इट इज एन ऑल वेदर, ये सारा साल काम कर सकती है, इनडायरेक्ट फायर करता है, फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट है. सिस्टम डेवलप्ड बाय किसने किया? डेवलप भारत ने, DRDO ने, पब्लिक सेक्टर ने.
ठीक, कहते पिनाका वेपन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो एकदम से निकलती हैं कई रॉकेट्स, बैटरी कमांड पोस्ट होते हैं, लोडर कम रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स होते हैं, रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स एंड डीजी कोरा एमईटी रडार। हमने बोला था ना मूविंग टारगेट इंडिकेटर, तो उसी का ये एडवांस वर्जन रहता है रडार्स का, तो वो भी आपका पिनाका एम्यूनेशंस में आएगा। ठीक, देन आफ्टर एस्ट्रा मिसाइल आती है, ये आपकी रहती है कि इसको भी डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहते सेकंड पॉइंट में इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर जो भी हमने पढ़ा था, एयर टू एयर मिसाइल है ये, डिजाइंड टू बी माउंटेड ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है ये, ये डिफेंस रिसर्च ने बनाया, डीआरडीओ ने, मोस्टली डीआरडीओ बना रहा है आपका। इट इज एम्ड एट एनहांसिंग द फायर रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। क्या है, और बढ़ाना है किसको? ब्रह्मोस को। 400 से 500 किलोमीटर थी ना पहले, अभी 1000 किलोमीटर तक जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं? एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशंस, वर्टिकल लॉन्च कर सकते हो यूजिंग सॉलिड बूस्टर्स जो हम लोग बूस्टर यूज करते हैं, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम, बूस्टर सेपरेशंस, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट, इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट एंड लॉन्ग रेंज वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम। क्लियर, आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नोट करके रखें, इसकी रेंज क्या थी और इसको डेवलप किसने किया, ये पहले दो पॉइंट्स को। ठीक है, अब आगे चले मिग 29 फाइटर जेट्स पे। ये ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर जेट है, डेवलप किया गया था सोवियत रशियन ने, हमने सोवियत मतलब रशिया से हमने परचेज किया था 1970 में। क्लियर है, ये बोलते हैं इट हैज बीन अपग्रेडेड और इसको अपग्रेड करते रहे हम लोग। सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट्स हैं ये, आपके सामने इसकी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, अब बात करें द सुखोई SU-30 इज अ ट्विन इंजन टू सीट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि टू सीट्स हैं, सुपर मैन्यूरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, सॉरी मैन्यूवरेबल, डेवलप्ड बाय रशियाज सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द व्यू ऑफ प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, याद रखेगा ये पॉइंट को। इट इज अ मल्टी रोल फाइटर फॉर ऑल वेदर, सब सारे वेदर में ये आप लोग इसको यूज कर सकते हो, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, डीप प्रोहिबिशन मिशन पे ये आप लोग यूज कर सकते हो। हवा से हवा में मार गिराएगा, हवा से जमीन में ये मार गिराने में सक्षम रहता है, कौन सा? सुखोई एमके फाइटर। क्लियर, तो फ्रेंड्स मैं आज का सेशन यहीं तक कवरअप करता हूं। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा। क्लियर है, हम लोग इसी तरीके से अपने आने वाले न्यूज को, मंथ्स को कवरअप करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।